नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव 28 अप्रैल 2024 को अस्त होने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 28 अप्रैल 2024 की सुबह 7:27 पर शुक्रदेव मेष राशि में अस्त होने वाले हैं और 19 मई 2024 तक शुक्र मेष राशि में मौजूद रहेंगे। इन 21 दिनों की समयावधि में शुक्र सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, शुक्र आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो अस्त होकर आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में चुनौतियां देने वाले हैं और कहां पर आपको शुभ प्रभाव भी देने वाले हैं। शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना गया है और शुक्र को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटे भोजन का और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। यही शुक्र जब जन्म कुंडली पर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ होता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक को वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है, क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिलती है, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। और यही शुक्रदेव अगर शुभ होते हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन में अपने वाणी के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा विपरीत लिंग को भी आकर्षित करने में सफल रहता है। और कुंडली पर पीड़ित शुक्र के प्रभाव से यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर दिनांक 28 अप्रैल को आपके राशि के एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं, अस्त अवस्था में होने वाले हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में जाने वाली है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सरकारी क्षेत्रों में या कर्म क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। ऐसे जातक जो पिछले समय से काम में अड़चन का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन में कार्यों में रुकावट यदि आप ज्यादा महसूस कर रहे हैं तो इस समयावधि में आपके जीवन में मुश्किलें कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई समाप्त होने वाली है। सहकर्मियों के साथ आपके कार्य की सराहना भी होने वाली है और कार्य क्षेत्र के मामले में अच्छा प्रदर्शन भी कर्म क्षेत्र में करने में सफल रहने वाले हैं। बात करें मिथुन राशि के ऐसे जातक जो शुक्र जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यदि आप वर्तमान में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके जीवन में इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव यानी संतान भाव पर जाने वाली है, तो यह समय आपके जीवन में संतान की उन्नति और प्रगति के लिए भी सहायक रहने वाला है।
जिन जातकों का संबंध एजुकेशन क्षेत्र से है, यदि आप शिक्षा के क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की भावना का विकास होने वाला है और आपके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप पिछले समय से धन की कमी महसूस कर रहे हैं, देखिए लाभ भाव पर शुक्रदेव अस्त होने वाले हैं, तो इस समयावधि में आप अपने जीवन में धन की बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत के बदौलत आप अपने जीवन में धन के कई स्रोतों से लाभ अर्जित करने में भी सफल रहने वाले हैं। और इस समयावधि में शुक्र के अस्त होने से छोटी मोटी यदि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिकायत बनी हुई है, उससे आपको निजात भी मिलने वाली है। सावधानी क्या रखनी चाहिए? देखिए शुक्रदेव वर्तमान में आपके द्वादश भाव के यानी व्यय भाव के ही स्वामी हैं, तो खर्चों पर आपको कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। पुरुषों के लिए शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आप अपने जीवन में अपने वाणी के द्वारा कड़वे बातों का प्रयोग अपने जीवन साथी के साथ ना करें, अन्यथा आपको चुनौती भी मिलेगी और आपको समस्याएं भी मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, शुक्र जनित दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। शुक्रवार के दिन यदि आप छोटी कन्याओं को कुछ मीठी चीजें डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता बढ़ने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।